गरुड़ पुराण में कहा है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है और उसकी छठी मनाई जाती है, छठी के दिन उसके कंधों पर दो यम के परिकर बैठ जाते हैं। कौन? उनका नाम है चित्रगुप्त। पुरुष के जो दाएं कंधे पे बैठा है वो उसके शुभ कर्मों को लिखता है और बाएं कंधे पर जो बैठा उसके अशुभ कर्मों को लिखता है। स्त्री का ठीक उल्टा होता है। जो दाएं कंधे पर चित्रगुप्त बैठा है वो उसके पाप को लिखता है और बाएं कंधे पर जो स्त्री के चित्रगुप्त बैठा है वो उसके पुण्य को लिखता है। तो चित्रगुप्त हमारे पाप पुण्य को लिखते रहते हैं। तो ये भगवान के दो सीसी कैमरे जो हमारे कंधों पर होता ना, जो बड़ा कैमरा, और जब फोटो लेते हैं तो कंधे पे रखकर फोटो बनाता है कैमरा मैन। यदि स्टैंड नहीं तो कंधों पर, जैसे कंधों पर कैमरे रखे हमारी फोटो खींचते हैं, इसी प्रकार हमारे दोनों कंधों पर चित्रगुप्त बैठे हैं। वो सब हमारा एक एक सीन ले रहे हैं और यमराज के यहाँ सब जमा होता जा रहा है हमारा प्रत्येक कर्म। उनको इसलिए चित्रगुप्त कहते हैं, हमारे गुप्त से गुप्त चित्रों को भी ले लेते हैं। अर्थात जो बातें हमने पाप सबसे छिपा रखे हैं, किसी को नहीं पता, वो भी चित्रगुप्त अंकित कर लेते हैं। इसलिए उनका नाम पड़ गया चित्रगुप्त। तो वहां मुकर नहीं सकते। यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम, तो फिर क्या तुम कहोगे? फिर पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस, जमानत ना होगी, पल्ले में घर कुछ अमानत ना होगी, होकर के कैद तुझे चलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भिक्षु कहे मन फिरेगा तो रोता, लाख 84 में खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, एक दिन तुझे इसका मालिक निकाले, इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा।